पधारो म्हारे देश, जहां से अतिथि देवो भव की भावना का उद्गम होता है। यहाँ के संगीत, नृत्य और संस्कृति के साथ साथ इतिहास की अनेकों गाथाएं दुनिया भर के पर्यटकों को यहाँ खींच लाती हैं। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में राजस्थान को दो हिस्सों में बांटती 250 करोड़ वर्षों से भी से ज्यादा दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली से लगे ये उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कुछ खास तरह के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां बसती है भारत की शान, द रॉयल बंगाल टाइगर। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंबोर नेशनल पार्क पर आधारित यह फिल्म यहां की जैव विविधता एवं इकोलॉजी को दर्शाती है। यहां आने वाले पर्यटक इस फिल्म के माध्यम से रणथंबोर के जंगलों का भ्रमण हेतु उचित मौसम एवं क्षेत्र का चयन कर पाएंगे। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जिसे आप रणथंबोर का बेस कैंप कह सकते हैं। रणथंबोर रोड पर स्थित गणेश धाम सर्किल ये 5 मेन जोन्स का एंट्री पॉइंट है, जिन्हें वीआईपी जोन्स भी कहते हैं। इस फिल्म के लिए सराय बाग ने भी अच्छा साथ निभाया। जिस प्रॉपर्टी में मैं हूँ उसका नाम है सराय बाग, जो कि वीआईपी जोन से करीब 5-7 मिनट की दूरी पर है। इसमें करीब 15 कॉटेजेस हैं। ये एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है, इसमें बाकी सारी फैसिलिटीज भी हैं। सभी संसाधनों से संपन्न इस रिसोर्ट को रामकिशोर जी परफेक्टली मैनेज करते हैं। 2 दिन के स्टे में रामकिशोर जी ने हर तरह की मदद मुहैया करवाई। यहाँ का रहना, खाना, सर्विस सभी कुछ टॉप नॉच है। इनकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। हमारी अतिथि देवो भव परंपरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति की आदर्श और सजीव व्यक्तिगतता को दुनिया भर तक ले जाती है। अनवाइल्ड इंडिया की अभी तक की सभी वाइल्ड लाइफ फिल्म्स निम्नतम संसाधनों से बनी है। अमूमन इसमें एक कैनन का कैमरा और वीवो के मोबाइल फोन का ही प्रयोग हुआ है, पर हाल ही में DJI का ड्रोन और एक्शन कैमरा भी ऐड किया है। अब हम रणथंबोर के कई वाइल्ड लाइफ जोन्स का अन्वेषण करेंगे। इस फिल्म को मैंने अलग अलग जंगल सफारी में कई बार जाकर फिल्माया है। यदि आपको ये फिल्म पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब या फॉलो करके अपना एक कमेंट जरूर डालिएगा, क्योंकि यही मुझे अपने काम का आंकलन करने में सहायता करेगा। ये वाल है ना, वाल। गणेश धाम से रणथंबोर फोर्ट जाते इस रास्ते पर ही अक्सर बाघ या तेंदुआ मिल जाता है। भारत का दूसरा सबसे पुराना ये बरगद का वृक्ष 700 सालों से बाघों की गाथा को गौरवान्वित कर रहा है। यहाँ के प्राचीन भवनों ने राजा महाराजाओं द्वारा बाघों के शिकार, रानी पद्मावती के सती होने की गाथा से लेकर आधुनिक विश्राम घर बनने का इतिहास देखा है। ये जोन अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता और प्रचुर वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इस जोन में रणथंभौर की सबसे बड़ी झीलों में से एक प्रसिद्ध पदम तालाब स्थित है, जो बाघों और दलदली मगरमच्छों सहित कई प्रकार के जानवरों को आकर्षित करता है।
शुष्क जलवायु में गर्मियां अत्यधिक गर्म होती हैं। ये वन की वनस्पति और जीव जंतुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ये रणथंबोर का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ खुले मैदान और तालाब बाघों समेत सभी वन्य जीवों को आकर्षित करते हैं। इस शुष्क मौसम में यहाँ सभी जीव पानी पर ही निर्भर होते हैं। जहाँ शाकाहारी जीव घास के मैदानों में अपना भोजन ढूंढते हैं, वहीं मांसाहारी जीव भी उन्हीं घास के मैदानों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए घास के मैदान जंगल की जीवन रेखा है। सूरज के ढलने से सभी जीव जंतु आनंदित होंगे। जोन 3 से बिल्कुल विपरीत जोन 6 ज्यादा शुष्क है। यहाँ का भूभाग ढोक नामक वृक्ष से सुसज्जित है, जिसे इंग्लिश में बटन ट्री भी कहते हैं। ये रहस्यमय वृक्ष कठोर पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित रहता है, पशुधन को आहार प्रदान करता है और लकड़ी भी देता है। यहाँ कई प्रकार की हिरण की प्रजातियां हैं, जिनमें सांभर हिरण बाघ का पसंदीदा आखेट है। गर्मी में ढोक के पत्ते गिर जाते हैं और इनकी बहुतायत के कारण यहाँ के जीव जंतुओं को छाया का अभाव रहता है। भीष्म गर्मी में पानी पर निर्भर ये हिरण परिचित हैं कि जहां पानी जीवनदायी है, वहीं कोई घात लगा इनका जीवन लेकर अपना जीवन व्यापम करेगा। जोन 1 ज्यादा खुला खुला नहीं है। यहां सीधे रास्ते पर चलते हुए दोनों तरफ छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन यहां भी आप दूर तक देख सकते हैं। वापस आते हुए मुझे ये भालू मिला, जो काफी दूर से चलता हुआ आकर हमारे सामने से निकल गया। जोन 2 के शुरू में एक तरफ खाई है और बाद में दोनों तरफ का जंगल ढोक से ढका है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ कांटेदार वृक्ष भी अच्छी मात्रा में हैं, क्योंकि जल स्तर नीचे होने के बावजूद यह अपनी जरूरत का पानी सोख लेते हैं। एक बाघ सामने खाई में बैठा है। कांटेदार वृक्ष के नीचे एक शिला पर पानी जमा है, जहां उसे ठंडक मिल रही है। तेज धूप में बाघ आराम करते हैं। इसे बिना कैमरा के देखना कठिन था। थोड़ी प्रतीक्षा कर आगे निकलने पर एक और बाघ जंगल के बीच शिला पर बैठा था। यह शिलाएं रणथंभौर के भूगर्भीय संरचना का हिस्सा हैं, जहां प्राकृतिक स्रोतों से जल प्रवाह होता है। बाघ पर्यटकों का शोर पसंद नहीं करते, शायद इसीलिए वो वहां से उठ ऊपर की तरफ जाने लगा। जोन 4 की इस झील में पशु पक्षियों की अच्छी गतिविधि देखने को मिलती है। रणथंबोर के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ढोक की संख्या लगभग 80% है, जिसके चलते जल ही गर्मी से बचने का एकमात्र विकल्प है, क्योंकि घनी झाड़ियों की छाया बाघों की वजह से जानलेवा हो सकती है। यहां भी बाघ पानी में ही मिला। पानी में बैठ ये अपने शरीर में अतिरिक्त गर्मी को कम करते हैं, लेकिन चलना बाघ का स्वभाव है। अपने क्षेत्र का दौरा कर वो यूरिन स्प्रे को चिन्हित कर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। जून में सूर्य विशेष रूप से उत्तरी मैदानों के ऊपर सीधे स्थित होता है, इससे अधिकतम गर्मी का सामना करना पड़ता है। अभी हवाएं भूगोल के अनुसार समायोजित हो रही हैं। जुलाई तक वे भौगोलिक संरचनाओं के साथ अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत करेंगी, जिससे भारी और लगातार बारिश होगी। तपते शुष्क पहाड़ों में अब नया जीवन खिल चुका है। सूखे जंगल अब हरी चादर से लिपट चुके हैं। ढोक फिर से प्राणवान हो गए हैं। अब जल की उदासीनता भी नहीं रही।
इस समय वन्य जीव ऊपर की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं, वहां नमी कम होती है और बाढ़ से बचाव होता है, वनस्पति भी भरपूर होती है। ऐसे में बाघ का नीचे मिलना कठिन हो जाता है। वर्षा ऋतु को बीते एक माह हो चुका है। जोन 3 अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। पशु पक्षियों की चहलकदमी भी दिख रही है। यहां उनके लिए पर्याप्त भोजन है तो वो स्वयं बाघ का भोजन है। ऐसे में पर्यटक फिर से बाघ को खोजने में लगे हैं। जोन 4 का आकर्षण भी भरपूर है। जैसे एक नई ऊर्जा आ गई हो, पूरा जंगल हरे रंग से लबालब भरा है, पर लगता है अभी भी गर्मी पूरी तरह से नहीं गई। लगातार जंगल घूम घूम कर भी बाघ नहीं मिला। शायद ये कसक सर्दियों में मुझे फिर से वापस लाएगी। काश ये प्राचीन बरगद का वृक्ष हमें बता पाता कि कब उसके आंचल में कोई बाघिन की ममता अपने बच्चों पर बरसेगी, कब छोटे छोटे शावक उसकी पीठ पर उचक उचक कर शैतानियां करेंगे और वो हौले से उन्हें मुंह में दबा उन्हें किनारे कर देगी। पर भारत में ना, बाघ भाग से मिलते हैं, भागने से नहीं।